कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया। पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को पंजाब ग्रामीण विकास संशोधन अध्यादेश 2022 को मंजूरी दे दी है। समग्र ग्रामीण विकास के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और किसानों के लिए उन्नत खरीद प्रणाली को लागू करने के लिए पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को पंजाब ग्रामीण विकास संशोधन अध्यादेश 2022 को मंजूरी दे दी। ये फैसला पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। पंजाब ग्रामीण विकास अधिनियम 1987 के खंड 7 में संशोधन न होने के कारण केंद्र ने पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त भी 1100 करोड़ का रूरल डेवलपमेंट फंड रोक लिया था। उस वक्त ये सामने आया कि सरकार ने ग्रामीण विकास का पैसा किसानों की कर्ज माफी में बांट दिया। अब पंजाब ग्रामीण विकास अधिनियम 1987 को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से 24 फरवरी 2020 को निर्धारित संशोधित सिद्धांतों के अनुरूप संशोधित किया गया है। कैबिनेट की बैठक में पंजाब में बंद हुई गेहूं की खरीद को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में जानकारी दी गई कि सरकार के राज्य भर में खरीदे जा रहे गेहूं में सिकुड़े अनाज की समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार की टीमों को 15 जिलों का दौरा करने के आदेश दिए गए हैं।